नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ मैं राकेश। राजधानी पटना में लॉकडाउन के बीच कोरोना योद्धा के तौर पर पुलिस दिन रात ड्यूटी में लगी हुई है, तो वहीं कुछ लोग फर्जी पुलिस बनकर अवैध वसूली कर पुलिस वालों की छवि बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। दरअसल पूरा मामला पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के मोगलपुरा स्थित दोरोखी इलाके का है, जहां बाइक सवार दो फर्जी पुलिस वाले बनकर लाठी का ध्वंस दिखाकर ठेले वाले से अवैध वसूली कर रहे थे। इसी बीच खाजेकला थाना को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनके पास से एक बाइक भी बरामद किया है, जिस पर पुलिस नाम का प्लेट लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों फर्जी युवक की पहचान करते हुए बताया कि दोनों युवक खाजेकला थाना क्षेत्र के ही हैं। फिलहाल दोनों फर्जी युवकों से पुलिस पूछताछ में लगी हुई है। क्या जानकारी मिली, क्या कुछ हुआ था सर, क्या हुआ, क्या सोचते हो? मगर पूरा दुरुखी के पास सूचना मिली कि दो व्यक्ति जो है पुलिस का लोगो लगा कर साइकिल में लोगों को परेशान कर रहा है, दुकान बंद करवाने की कोशिश कर रहा है, अजीब तरीके से वसूली कर रहा है। ये सूचना पर आवश्यक कार्रवाई की गई है, उसको गिरफ्तार किया गया। कितने लोग हैं? दो। क्या बरामद उनके पास से? उनके पास एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ और मोटरसाइकिल में आगे पीछे पुलिस का लोगो लगा हुआ है। किस तरह की कार्रवाई होगी सभी लोगों को? फौजदारी कहाँ कराने वाले हैं, क्या पहचान होगी? ये पातों की बात है। क्या नाम है लोग का? एक अनूप कुमार अवस्थी और दूसरा शिवम कुमार। तो पूछताछ के दौरान क्या पता चला, इनका कोई परिवार भी है पुलिस उलिस में बता? अभी ये तो अनुसंधान किया जा रहा है। तो एक तरफ कोरोना वायरस के बीच हमारे देश की पुलिस लगातार दिन रात ड्यूटी में लगी हुई है कोरोना योद्धा के रूप में, तो दूसरी तरफ कुछ फर्जी लोग हैं जो फर्जी पुलिस बनकर लोगों से अवैध वसूली का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर तुरंत उसकी सूचना नजदीकी थाने को देनी चाहिए, ताकि तुरंत ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जा सके। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।